हे गाइस, आपका स्वागत है वॉच रियान की एक और वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, आज भी मेरे पास आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग मार्वल अपडेट्स हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला अपडेट आ रहा है वैरायटी से। तो गाइस, वैरायटी ने रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट किया है कि बेन किंग्सली, जिनको हमने आयरन मैन 3 और शांग-ची में देखा था, तो वो अपने कैरेक्टर ट्रेवर स्लॉटरी को अपकमिंग डिज्नी प्लस सीरीज वंडर मैन में फिर से प्ले करने वाले हैं। एंड रिपोर्टेडली ये सीरीज की स्टोरी हॉलीवुड में ही बेस्ड होने वाली है, सो ये बेन किंग्सली के लिए एक परफेक्ट प्लेस है अपने रोल को रिप्राइज करने का। एंड ऑल्सो गाइस, हालांकि सीरीज के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है करेंटली, बट व्हेनेवर आई विल गेट समथिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो गाइस, अब चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो गाइस, अगला अपडेट आ रहा है डिज्नी के ऑफिशियल लैटिनो वेबसाइट से। तो गाइस, रिसेंटली इस ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिले हैं एमसीयू के फेज 5 को लेके। तो गाइस, पहला तो इस वेबसाइट से ये कंफर्म हो गया है कि हेली स्टैनफील्ड यानी केट बिशप फेज 5 में डेफिनेटली वापस आने वाली हैं, जो कि प्रीटी ऑब्वियस था क्योंकि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मीनिया में भी उनके अपीयरेंसेस के रूमर्स थे। एंड ऑल्सो गाइस, इसके साथ साथ इस वेबसाइट से ये भी रिपोर्ट हुआ है कि फेज 5 में कौन से कैरेक्टर्स एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाले हैं, लाइक कौन कौन एक मेजर रोल प्ले करेंगे, जिसमें से केट बिशप को नंबर 1 पे रखा गया है, देन सेकंड पे माया लोपेज यानी एको को रखा गया है, और हम जानते हैं कि एको सीरीज ही मार्वल की स्ट्रीट लेवल साइड को एक तरह से किक ऑफ करेगा, देन थर्ड पे हमारी एमसीयू की फर्स्ट एवर म्यूटेंट मिस मार्वल को रखा गया है। एंड ये जस्टिफाई भी करता है क्योंकि ऑब्वियसली आगे जाके म्यूटेंट्स के इंट्रोडक्शन में मिस मार्वल तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होने ही वाली है, एंड ऑफ कोर्स वो यंग एवेंजर्स की भी एक प्रोमिनेंट मेंबर बनने वाली है। देन फोर्थ नंबर पे हमारे गुड लॉयर मैट मर्डॉक यानी डेयर डेविल को रखा गया है, और ये समझ में भी आता है आज मार्वल करेंटली डेयर डेविल का कॉन्स्टेंट बिल्डअप कर रही है, लाइक कुछ ही दिनों में हमें वो सी हल्क में देखने मिलेंगे, देन एको सीरीज में, एंड देन फाइनली उनके खुद के 18 एपिसोड्स वाले सीरीज डेयर डेविल बॉर्न अगेन में। एंड शायद मार्वल भी फिर से कुछ मेजर चेंजेस के साथ द डिफेंडर्स को भी वापस लाना चाहती है, आज जेसिका जोन्स और ल्यूक केज भी वापस आने के रूमर्स हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट गाइस, फेज 5 में डेयर डेविल का एक प्रोमिनेंट रोल होना हमारे लिए एक ह्यूज डब्ल्यू है। देन फिफ्थ नंबर पर डिज्नी ने रीरी विलियम्स के आयरन हार्ट को रखा है, और जैसे कि हम जानते हैं कि आयरन हार्ट भी फेज 5 का एक मेजर सीरीज होने वाला है, जिसमें हमें मैजिक और टेक्नोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग मिक्सचर देखने मिलेगा, एंड ऑब्वियसली आयरन हार्ट भी यंग एवेंजर्स को ज्वाइन कर सकती है। देन डिज्नी ने एक बोनस कैरेक्टर भी मेंशन किया है जो कि फेज 5 में एक मेजर रोल प्ले करेगा, और वो है सैम विल्सन यानी हमारे नए कैप्टन अमेरिका। और जैसे कि हम जानते हैं कि सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका 4 भी फेज 5 का एक मेजर हिस्सा होगा, एंड शायद ये थंडरबोल्ट्स और फेज 6 के लिए भी कई चीजें सेटअप कर सकता है। देन गाइस, अगला अपडेट है लोकी सीजन 2 के बारे में। तो गाइस, डिज्नी ने ऑफिशियली लोकी सीजन 2 को टीवी 14 की रेटिंग दे दी है, एंड आई नो कि ये रेटिंग मेजॉरिटी ऑफ द सीरीज के लिए होती है, बट मेरा काम है आप सबको अपडेटेड रखना, राइट? तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी।